Dear students, assalamu alaikum. As we have discussed the preparation of phenol, now we are moving towards another topic, that's preparation of alcohols. Now alcohols can be prepared by following methods. So I will have the preparation of alcohols. Alcohols can be prepared by following methods. Method number first, method number second, and method number third and fourth. Method number first is from alkenes. From alkenes. Method number next is by reduction of carbonyl compounds. By the reduction of carbonyl compounds using different reducing agents. Method number next is Grignard's reagent. And the method number next is from alkyl halides. From alkyl हैलाइड्स. ये लास्ट वाला मेथड जो है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द व्हाट वी से चैप्टर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे आपने देखा कि हैलाइड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सर्टेन बेसिक ग्रुप्स. तो वी हैव डिस्कस दिस. नाउ देयर आर थ्री रिमेनिंग एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट विल बी अ सेपरेट चैप्टर दैट विल बी डिस्कस्ड. And now it's from the alkene and reduction of carbonyl compounds. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं from alkenes और उसके बाद हम देखते हैं reduction of carbonyl compounds. तो alkenes जो है, alkenes से हम कैसे prepare करते हैं alcohols. Now alkenes को हम alcohols में convert कर सकते हैं. तो हमारे पास तीन methods हैं जिससे हम बना सकते हैं अल्कोहल्स. पहला मेथड है, द फर्स्ट मेथड इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. वी यूज वाटर बट दैट यूजिंग वाटर इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एंड इन दैट केस वी कॉज हाइड्रेशन. The second is hydroboration and oxidation. Hydroboration oxidation is another method. And the next one is oxymercuration and demercuration. Oxymercuration and demercuration. So these are the three methods by means of which we are converting alkenes to alcohols. ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले we will be discussing acid catalyzed hydration and how it's carried and what are its different and important mechanistic steps. Acid catalyzed hydration of alkenes. Now see, if we take an alkene of this type, CH3, CH double bond CH2. Now to this alkene, if we add H2SO4, a small concentration of H2SO4, in presence of H2O and a small concentration of H2SO4. Now what happens in this case? जब आप वाटर और एसिड का जो है ट्रीटमेंट देते हैं अल्कीन्स का, तो उस टाइम पे क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात जो है, यहां पे डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है. डबल बॉन्ड पे ए टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑकर्स. तो यहां पे एडिशन जो है दैट ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोविनकॉप्स रूल. यानी मार्कोविनकॉप्स रूल का मतलब क्या है कि
यहां पे जो वाटर है दैट विल गेट एडिटेड ऑन द डबल बॉन्ड, और जो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है दैट एड्स टू द कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, व्हाइल एज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर दैट्स एच पॉजिटिव एड्स टू द कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, देन इट्स OH, सिंगल बॉन्ड CH2, देन इट्स H. तो ये हो जाता है जनाब एडिशन ऑफ वाटर. लेकिन जब हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि असल में इस रिएक्शन में होता क्या है, कैसे एडिशन ऑफ वाटर आता है, होता है, और क्या इस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं पर रीअरेंजमेंट या बाकी चीजें हो सकती है. अब मान लीजिए मैं इस रिएक्शन को पहले डिस्कस करूंगा कि असल में होगा क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं तो वो कैसे इसमें हो सकते हैं. ये देख लीजिए, अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब आप H2SO4 और वाटर को डालोगे वहां पे तो ए टाइप ऑफ एसिड बेस विल ऑकर, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. क्योंकि अब यहां पे देखिए क्या है, वाटर ज्यादा है, H2SO4 कम है, ठीक है. अब यहां पे क्या होगा कि ये एच पॉजिटिव इसको देगा, अब उस एच पॉजिटिव देने की वजह से हमारे पास आयन बनेगा विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन बनने की वजह से यहां पे हाइड्रोनियम आयन अब एच पॉजिटिव देगा, अब अल्कीन एक्ट करेगा बेस और ये एक्ट करेगा एसिड, अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोनियम आयन से एच पॉजिटिव आएगा जो कि इस वाले कार्बन को अटैक करेगा, सो एज टू जनरेट द मोर स्टेबल कार्बो कैटायन, बिकॉज एसिड्स प्रोड्यूस कार्बो कैटायन्स एज इंटरमीडिएट्स. तो अब यहां पे ये हो जाएगा CH3 CH पॉजिटिव, देन इट CH2 और प्लस यहां पे वाटर बनेगा यानी H2O बनेगा, ठीक है. अब यहां पे देख लीजिए, जब H3O पॉजिटिव इसको H पॉजिटिव देगा उसके बाद स्टेबल इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहां पे ये CH3 हो जाएगा. और उसके बाद देखिए क्या होता, उसके बाद कार्बोकेटाइन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. एक पॉसिबिलिटी ये है कि H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो H पॉजिटिव रिलीज होने की वजह से फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. लेकिन अगर आपने मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक कंसेंट्रेशन को बढ़ाया है, और ये याद रखिए यहां पे जो आपको बेस यूज करनी है दैट शुड बी ऑफ द स्ट्रॉन्गरेस्ट, यानी आपको स्ट्रॉन्गर एसिड यूज करना है, उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा. अगर आपने स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस यूज किया तो उसका तो वीक कंजुगेट बेस होगा, अब वीक कंजुगेट बेस होने की वजह से क्या होगा कि वो एच पॉजिटिव के साथ कम रिएक्ट करेगा. एच पॉजिटिव से कम रिएक्ट करने का मतलब है कि उसकी बेसिसिटी कम होगी, उसकी बेसिसिटी कम होने का मतलब है अल्कीन कम बनेगा. तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप H2SO4 या कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड यहां पे यूज करोगे तो उसे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करेगी. और दूसरी बात, अगर आपने वाटर को ज्यादा लिया तो वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. अब अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से वाटर जो है ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, नाउ द वाटर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इसको अटैक कर सकता है. और अगर इसने इसको अटैक किया तो यहां पे ये बनेगा CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3. और ये याद रखिए कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, इसका मतलब है कि अटैक जो है अगर ये काइरल सेंटर बनने की इसकी टेंडेंसी है तो अटैक अपवर्ड्स यानी अबो द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन हो सकता है, और उसकी वजह से अगर आपको काइरल कार्बन है तो वहां पे आपको फिनोमेना ऑफ रैसमाइजेशन या बाकी चीज जो भी है वो आप पा सकते हो, तो जिससे हमें पता चलता है कि इंटरमीडिएट जो है वो बेसिकली कार्बोकेटाइन है. फर्दर उस रैसमाइजेशन से हमें एक्सटेंट ऑफ रैसमाइजेशन कितना होता है उससे हमें ये पता चलेगा कि यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को हम उससे मेजर कर सकते हैं. तो यहां पे जब वाटर अटैक करेगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, ठीक है. और ये इस रिएक्शन को देख लीजिए आप, रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी, यू कैन हैव द रिवर्सिबिलिटी, लेकिन उस चीज को आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग रिचर्ड मेयर प्रिंसिपल एंड ऑल दैट. और उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव फिर से वाटर एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
तो यहां पे वाटर है, फिर से एच पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से यहां पे लेगा, या हमारे पास अगर इसका कंजुगेट बेस होगा वो करेगा इसके साथ इंट्रैक्ट, तो मैं इसको ऐसे भी अनदर पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो HSO4-1 है तो वो इसके साथ इंट्रैक्ट करेगा, तो उसके बाद रिजनरेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है CH3, CH, OH और CH3 और H हमारे पास बन गए। अब इस रिएक्शन में देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे पास ये देख लीजिए, सिंपली देयर इज एन एडिशन ऑफ वाटर, व्हाइल एस OH इज मूविंग टू द कार्बन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड द H इज मूविंग टू द कार्बन व्हिच कंटेन्स ग्रेटर नंबर। So the next will be, अब अगर हमारे पास मान लीजिए ये CH3, CH, CH3, ये हमारे पास एक अल्कीन है, और अगर हम इस अल्कीन को किसी भी तरीके से हाइड्रेट करना चाहेंगे, मान लीजिए मैंने इसको H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ जो हम वॉटर यूज करते हैं, बिकॉज वी हैव टू कैरी द हाइड्रेशन। अब यहां पे देखिए क्या होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनने से यहां पे ऑलवेज कार्बोकेटाइन्स में पॉसिबिलिटी रहती है रिंग जो है क्या होते हैं इसको हाइड्राइड शिफ्ट की या मैथनाइड शिफ्ट की या रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन की या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन की या कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल्स के साथ। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी जो हमें मेजर प्रोडक्ट आएगा, जो ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, उसमें से हमारे पास देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब अटैक एच पॉजिटिव का, यानी हाइड्रोनियम आयन यहां से जो जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहां पर फिलहाल हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता हूं इनके कंबाइन होने से, जो इसको सप्लाई करेगा एच पॉजिटिव, और एच पॉजिटिव सप्लाई करने के बाद हमारे पास CH3, CCH3, H, उसके बाद CH2 पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, और उसके बाद CH3 बने। तो ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट में पॉसिबिलिटी है कि यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन अगर यहां पे कार्बन को पॉजिटिव चार्ज जाता है तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, तो उस वजह से ये जो है यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसके बाद इस पे वाटर का अटैक होके वहां से एलिमिनेट एच पॉजिटिव करेगा, जो कि इसका जो हमारे पास बेसिक पार्ट है वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3, CH3, और यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब है वाटर यहां पे अटैक करेगा, और उसके बाद CH2 और उसके बाद CH3। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, OH देखिए कहां से ऐड हो रहा है, OH उस वाले यहां तो डबल बॉन्ड था ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली अगर आप मार दो विंडो ऑफ रूल यूज करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, आप डायरेक्टली इस पे ऐड करोगे वाटर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने के बाद रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होता है, और उसके बाद OH वाले उस यहां पे जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है उस पे वाटर अटैक करके, और उसके बाद इलिमिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव होता है, जो कि फास्ट स्टेप रहता है, RDS यही डिटरमाइन करता है। तो इसी रिएक्शन का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए टर्शियरी ग्रुप है, यानी डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक कार्बन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप को अटैच है, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए पॉसिबल, अगर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो उस टाइम पे अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो उसका मतलब यह है कि हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी साइट ऑफ रिएक्टिविटी पे अटैक नहीं होगा, तो उस वजह से ये एक टाइप ऑफ ड्रॉबैक बनते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोबोरेशन है या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, शायद इस चीज को वो फुलफिल करते हैं। तो इस वजह से हम कंप्लीटली अल्कीन्स को ऑल द थ्री मेथड्स, यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स से हम इसको हाइड्रेट कर सकते हैं।
So in, we will be now discussing the another type that's called as the hydroboration oxidation, which was given by H.C. Brown. So let's have the discussion on hydroboration and oxidation. Oxidation. This is another method to actually indirectly hydrate alkenes. यानी हम डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो वाटर जो है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, लेकिन नेट रिएक्शन में आपको ये लगता है कि वाटर इज एडेड. तो अब अगर हम यहां पे देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है. हमने मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कीन लिया और इसको हम ट्रीट करते हैं पहले BH3 के साथ इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट जो है हम यूज जो करते हैं वो है H2O2 इन NaOH जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे बिहेव करता है. तो दो स्टेप अप्रोच यानी पहले हम BH3 को यूज करते हैं जो कि अगर आप देखोगे B2H6 के फॉर्म में होता है और दूसरा हम H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज करते हैं. तो यहां पे ये दो रिएक्शंस जो ये दो रिएजेंट्स यूज करने की वजह से देखिए क्या होता है. पहली बात है कि आपने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में देखा कि हाइड्रेट वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है. यहां पे सिंपली जो है डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन ऑकर्स ऑन द डबल बॉन्ड. लेकिन इन दो रिएजेंट्स को यूज करने के इस केस से यहां पे सिंपली एडिशन ऑफ वाटर होता है और एडिशन ऑफ वाटर जो है वो एंटी टू मोर्टो विनकॉप्स रूल होता है. यानी हमारे पास वाटर में दो पार्ट्स है, एक तो एच पार्ट एच पॉजिटिव है, दूसरा ओ एच नेगेटिव है. जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं तो उस टाइम ओ एच जो है वो उस वाले कार्बन पे चला जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे और एच पॉजिटिव उस वाले कार्बन पे चला जाता है जिसके पास ज्यादा वाले हाइड्रोजन. लेकिन अगर आप ये रिएजेंट्स यूज करोगे तो इन दो रिएजेंट्स को मिला के जो नेट हो जाता है वहां पे सिंपली एडिशन ऑफ वाटर होता है बट एंटी टू मोर्टो विनकॉप्स रूल. उसका मतलब ये है कि हम वाटर का एडिशन डबल बॉन्ड पे करेंगे बट एंटी टू मोर्टो विनकॉप्स रूल का मतलब है हमारे पास सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू. अब वाटर में दो पार्ट है, एक तो नेगेटिव पार्ट है दूसरा पॉजिटिव पार्ट है. तो नेगेटिव पार्ट जो है वो अब उस वाले कार्बन को ऐड हो जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और पॉजिटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम. और दूसरी बात इसी रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है. अब रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है, क्या यहां पे कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं बनता है, ये रिएक्शन किससे प्रोसीड होती है, तो वो चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. लेकिन आप देखिए सिंपली आपने हाइड्रेट किया. अभी देखिए उससे पहले अगर आप इसको डायरेक्टली हाइड्रेट करेंगे एसिड कैटलाइज्ड से तो आपको ओएच यहां पे मिलेगा एच यहां पे मिलेगा, दैट मींस मोर्टो विनकॉप्स रूल. लेकिन अगर आप ये दो रिएजेंट्स यूज करोगे तो आपको ओएच जो है उस वाले कार्बन पे जाएगा व्हिच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजंस और एच विल बी इन फैक्ट देयर विल बी द रिवर्सल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रीवियस केस दैट्स एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन. नाउ अब हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है कि why it follows anti-Markov-Winkoff's rule and how the water as if the water has been added to the double bond, we will try to what we say as to understand it. तो यहां पे हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एक्चुअली देखिए होता क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में दो तरह के स्टेप्स है. पहला है हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन. तो पहला वाला पार्ट जो है That's hydroboration of alkenes, ठीक है, उसमें क्या बनता है, उसकी conditions क्या है, पहले हम उसको understand करेंगे. उसके बाद oxidation कैसे हम इसको कर सकते हैं to produce finally what we say as an alcohol, ठीक है, और कौन सा part पहले आता है, कौन सा part बाद में आता है, कैसे हम इसको modify कर सकते हैं. तो let's try to understand first what's called as the hydroboration process, how it happens, ठीक है. आप ये चीजें जो है मैकेनिज्म या बाकी चीज आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे अच्छा लगे, ठीक है. अगर आप वन स्टेप प्रोसेस में ही करना चाहते हो उससे भी कर सकते हैं.
तो अब हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन। देखिए हाइड्रोबोरेशन में हम क्या करते हैं, हमने लेट अस सपोज एक अल्कीन लिया, ये हमारे पास एक अल्कीन। अब इस अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं BH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF। ठीक है, तो इसमें जो अल्कीन जो होता है इसको हाइड्रोबोरेशन होती है, हाइड्रोबोरेशन। इसका मतलब ये है, एक तो यहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है और दूसरा फाइनली जो है बोरॉन भी वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो BH3 है, अगर आप BH3 को देखोगे तो इट एग्जिस्ट एज B2H6, BH3 एग्जिस्ट एज B2H6। ठीक है, और यहां पे आपको पता है इसमें जो हमारे पास बैनर बॉन्ड है या टॉ बॉन्ड है, ठीक है, तो हमारे पास 3 centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये डेफिसिट कंपाउंड्स होते हैं। तो जो ही हम इसको डिसॉल्व करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में, जो कि इस टाइप का सॉल्वेंट होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहां से हमारे पास BH3 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और उसके बाद इसको स्टेबलाइज करता है। तो स्टेबलाइज करने के बाद हमारे पास BH3 यूनिट्स रहते हैं, तो ये एक्ट करता है इसको सॉल्व। लेकिन कभी कभार हम ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम जैसे डाइईथाइल ईथर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और जनरली हमारे पास ईथर्स यूज होते हैं सॉल्वेंट, लेकिन उसके बाद उसके बगैर जो है अमाइंस भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, इन सर्टेन केस इट हैज बीन बाउंड, देन वी कैन यूज अमाइंस एज वेल द सॉल्वेंट्स, बट द मोस्ट प्रेफरेंशियल सॉल्वेंट्स आर व्हाट आर कॉल्ड एज ईथर्स। अब देखिए होगा क्या, यहां पे ये जो BH3 है, BH3 क्या करता है, जो हमारे पास CH2 है, अब BH3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने की वजह से आप किस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये सिंपली आपको पता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। आप किस वाले कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, देखिए ये मोर प्रेफरेंशियली अटैक कर सकता है उस वाले कार्बन को विच इज स्टीरिकली लेस हिंडर्ड, ठीक है, स्टीरिकली लेस हिंडर्ड। अगर मान लीजिए आपने यहां पर मिथाइल ग्रुप को इंक्रीज किया, यानी एच की जगह आपने मिथाइल ग्रुप डाल दिया, तो स्लाइटली जो है देखा गया है कि यहां पे उस वक्त ये इसका प्रपोर्शन जो है, यानी इसको अटैक करने का प्रपोर्शन जो BH3 का है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम करोगे तो यहां पे स्लाइटली क्या हो जाता है कि यहां पे इसका भी प्रोडक्ट आता है, यानी BH3 इसके साथ भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए BH3 इस वाले कार्बन जो कि नॉन टर्मिनल कार्बन है उस पर उसने अटैक किया, तो हम इसको हीट से आइसोमराइज कर सकते हैं और उसको टर्मिनल पोजिशन पे पहुंचा भी सकते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी है बोरिन का कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी टर्मिनल पोजीशन पे बोरॉन है जो कि अटैच्ड है, उसके बाद अगर आप उसको हीट करोगे तो देयर आर सम फिनोमेना ऑफ आइसोमराइजेशन जिसमें कि बोरॉन जो है वो टर्मिनल कार्बन पे आता है। तो ऐसी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर आप रिएजेंट जो है प्रेफरेंशियली किसी एक कार्बन पे अटैक नहीं करता तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर आप मान लीजिए प्रेफरेंशियली इसी कार्बन पे अटैक करना है, तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ अदर रिएजेंट्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे 9BBN एक रिएजेंट आता है, ठीक है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कैटेगो बोरिंस हमारे पास है जो हम यूज कर सकते हैं, जो प्रेफरेंशियली इसी कार्बन पे अटैक कर सकते हैं जो कि टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए क्या होता है कि यो हमारे पास BH3 जो है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करता है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा ये मोर प्रेफरेंशियली बोरॉन जो है इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसा होता है, तो पहले केस में जो BH3 होता है दैट अटैच्स इटसेल्फ टू द कार्बन विच एक्चुअली इज अ टर्मिनल कार्बन। नाउ आई विल बी अटैचिंग इट टू द टर्मिनल कार्बन, सो हमारे पास वी हैव CH3, देन इट्स H, देन इट्स CH2, देन वी आर यूजिंग BH3, सो आई विल हैव द इंटरेक्शन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो यहां पे ये जो है B हमारे पास, ये H है, ये H है हमारे पास, ये इंटरैक्ट इस वाले कार्बन के साथ करेगा,
तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इस वाले कार्बन को, बिकॉज इट्स एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो बॉन्ड है स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गर होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ड्रिफ्ट देखेंगे तो इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट इस डायरेक्शन पे है। इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कुछ एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके साथ होगा, तो एक तरह का एक फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और अगर आप देखोगे हमारे पास, देखिए फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, तो जब भी आप प्रेडिक्ट करते हो कि ट्रांजिशन स्टेट है, तो उस वक्त आप याद रखें कि रीअरेंजमेंट्स जो है बहुत कम पॉसिबिलिटी रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे रीअरेंजमेंट होने के लिए यहां पे फुल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद इमीडिएटली जो है यहां पे जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये बोरॉन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, ठीक है। अब उसके बाद जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद आप इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें कंप्लीटली अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट करेगी, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है वो इसके तरफ चला जाएगा, और आपको ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे CH3CH, और उसके बाद देयर इज CH2, देन इट्स BH2, ये बन गया BH2। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है और ये जो BH2, याद रखिए ये एक ही फेज से आते हैं, यानी अगर आप डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे, इसके एक तो एबोव प्लेन होता है, क्योंकि प्लेनर होता है, तो एक तो इसका ऊपर वाला फेस होता है, दूसरा नीचे वाला फेस होता है, ठीक है। तो जिस साइड से बोरॉन आता है उसी साइड से डिलीवरेंस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, यानी यहां पे सेम जो है डिलीवरेंस होता है। कुछ एक केस में एंटी एडिशन भी देखा गया है, ठीक है, एंटी एडिशन की भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप कुछ सॉल्वेंट्स या बाकी चीज को चेंज करोगे तो उसमें एंटी एडिशन की भी पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि बहुत कम रहती है। तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन आया और BH2 आया। अब देखिए उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे एक सिंपल सी चीज होगी कि ये जो हमारे पास BH3 है उसका जो हाइड्रोजन है, एक्चुअली इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द होल ऑफ अल्काइल ग्रुप, वी कैन से लाइक दैट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगर आप इसको देखोगे, इसमें जो एडिशन हो गया, अब देखिए पाई बॉन्ड पे फिर से एडिशन हो रहा है, पाई बॉन्ड इज ब्रेकिंग इनटू सिग्मा बॉन्ड, अब फिर से जो एडिशन हो रहा है उसमें जो H है, H जो है यानी इसका जो नेगेटिव पार्ट है, यहां पे हाइड्रोजन विल बी मोर नेगेटिव इन कंपैरिजन विद द बोरॉन, सो यहां पे जो नेगेटिव पार्ट है जो बोरॉन से ज्यादा नेगेटिव है, दैट्स एडिंग टू द कार्बन व्हिच इज कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजंस, सो दिस स्टेप दैट इज द एडिशन ऑफ द अटैक ऑफ द हाइड्रोजन ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोव-विन्कोव्स रूल, इज इट क्लियर। तो अभी भी अगर आप बोरॉन को देखोगे तो अभी इसके पास दो हाइड्रोजंस है, तो इसका मतलब यह है कि अभी दो मोल्स ऑफ अल्किन्स के साथ ये रिएक्ट कर सकता है थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट दैट्स फॉर्मड हियर, एंड विद द रिजल्ट इट इज डिलीवरिंग इट्स हाइड्रोजन टू द कार्बन व्हिच इज एक्चुअली हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोव-विन्कोव रूल। ये आप इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगा कि जब हम नेट को देखते हैं तो नेट में हमें ये लगता है कि एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है एंटी मार्कोव-विन्कोव रूल्स, लेकिन अगर हम यहां पर इस रिएक्शन को देखेंगे, जैसे कि हाइड्रोबोरेशन हमारे पास हो रहा है, तो हाइड्रोबोरेशन में जो डिलीवरेंस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है टुवर्ड्स द कार्बन दैट ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोव-विन्कोव्स रूल, दैट दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट एक्चुअली द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मैकेनिज्म मेक्स यू टू अंडरस्टैंड द फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, तो इसको अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो मुझे बताओ क्या हो जाए, फिर से जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर से इसका हाइड्रोजन इसको इंट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैंने दो मोल्स यहां पे अल्किन्स के लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है बाइंडिंग रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन्स को, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो मिलेगा CH3CH2, इसमें से मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं ब्रेकिंग में, तो CH2 और उसके बाद हमारे पास होल थाइस और उसके बाद बी, दैट्स बोरॉन। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां से आ रहा, इट इज कमिंग फ्रॉम BH3। अब इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे, ये बी, ये जो एच है ये बोरॉन से आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो ट्राई अल्काइल बोरेन्स, दे आर कॉल्ड एज ट्राई अल्काइल बोरेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन्स जो है, आप इसको किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब
ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन हो रही थी, तो उस टाइम पे जब एचसी ब्राउन ने यहां पे हाइड्रोबोरेन्स बनाए, तो हाइड्रोबोरेन्स को थ्रू द डिफरेंट मेथड्स यू कैन कन्वर्ट टू एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो आई कैन सजेस्ट दिस थिंग दैट दिस इज एक्चुअली अ लिंक बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मीन्स ऑफ व्हिच दीस अल्काइल बोरेन्स कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड फॉर दिस रिएक्शन ही वाज अवार्डेड विद अ नोबेल प्राइज. ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन दैट इट एक्चुअली मेक्स अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो फाइनली जब हमारे पास बोरेन्स है तो इसमें से एक रिएक्शन जो यहां पे हम पढ़ते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ बोरेन्स यूजिंग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एनी OH. ठीक है, उस चीज से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं. वरना अगर आपको मान लीजिए हायर अल्किल्स बनाने होंगे वो भी बना सकते हो. अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाना होगा वो भी आप बना सकते हो. अगर आपको एल्डिहाइड्स बनाने होंगे वो भी आप बना सकते हो. अगर आपको अमाइन्स बनाने होंगे वो भी आप बना सकते हो. अगर आपको अल्काइन हैलाइड्स बनाने होंगे वो भी आप बना सकते हो. बात समझ में आई. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताऊंगा कि बोरेन्स जो हमारे पास जो बोरेन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ BH3 ये हम बोथ अल्किन्स एज वेल एज अल्काइन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो यहां पे हम रिएक्शन ऑफ व्हाट वी से अल्किन्स देखते हैं, उसके बाद आई विल कम टू द रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स विद द बोरेन्स एंड देन आफ्टर व्हाट विल हैपन टू देम. ठीक है, उसमें वहां पे क्या हो सकता है. नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बोरेन्स मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ अल्कोहल्स आर फॉर्मड. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आई टोल्ड यू दैट बोरेन्स बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सोन, ऑक्सोन इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ H2O2 in presence of any OH. So using that, we can actually oxidize जो trialkyl borane हमारे पास होते हैं तो उनको हम oxidize कर सकते हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी oxidation कैसे possible है और उसमें से क्या product obtain हो सकता है. जैसे कि हमारे पास CH3, CHH, then it's CH2 and then it's whole thrice and then it's B boron. तो इससे पहले हमने already discuss किया कि हाइड्रोजन आता कहां से और किस साइड से आता है. ठीक है, सीन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है, वो चीजें हमने डिस्कस की. अब अगर हम इसको सिंपली ट्रीट करते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्काइन मीडियम में, तो यहां से ये जो है ये कार्बन यानी जो अटैच होता है बोरान को उस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है. और ऑक्सीडेशन होके क्या हो जाता है कि यहां से OH आता है और वो OH जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ के फ्रॉम द सेम साइड वायर द H binds and with the result product is formed. Now this H2O2 in presence of any OH oxidizes carbon boron bond by adding OH to the what we say as a parent alkene. So we are getting the product like this CH3 CHH and CH2OH. Now what is important here is that H and OH, which is actually given by H2O2 in presence of any OH, the whole group comes from the same side where there is an H. And if you look this, that is addition of, now you can have two parts. Actually there are two parts which are coming. The one part comes from the boron, this part is coming from the boron, so that means if you change the boron, if you deuterate the boron, then at that time you will get the hydrogen here. Okay? But if you have any change in H2O2 in presence of any OH, let's suppose you will be using the isotopic mixture of this, then what you will be observing is that this OH, which comes from the H2O2 in presence of any OH, this OH will be labeled at that time. So actually the H and OH is coming from the two parts.
ठीक है, ये इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इसी पे आता है. सो ही विल मेक द चेंज एज वो BH3 की जगह BD3 लिखेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन कहां पे गया, उस टाइम पे भी आप वाटर का एडिशन करोगे, क्या करो. बात समझ में आ रही है? तो what you should learn is that there is H and OH which come from the two parts and with the result overall reaction actually proceeds with the addition of the water in accordance NG2 Markov in Cox rule. But if you have the detailed analysis of this mechanism, that means you want to have the mechanism of this reaction, that can be also shown to get. Now we will be discussing the mechanism of the reaction.